हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एनसीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, जो कि फोर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेने के लिए होता है 2024 सेशन में, तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। लास्ट ईयर की अगर बात करेंगे, लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी की थी और इस साल कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपका स्कोर कितना होना चाहिए इस साल के एग्जाम में, ताकि आप श्योरली आपका एडमिशन हो जाए फोर इंटीग्रेटेड बीएड में, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो। देखो, आपको पता ही होगा जो एनसीटी का जो एग्जाम होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2023 में शुरू हुआ था, 2024 में सेकंड टाइम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फोर ए इंटीग्रेटेड जो बीएड होते हैं, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। देखो, एक बहुत ही वैल्यूबल कोर्स है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार आपको बता रखा है कि अगर आप फोर ए इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो आपका जो करियर है टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा बन सकता है। और मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज अगर आपने ट्वेल्थ पास कर रखा है या जस्ट आपने लास्ट ईयर आपने ट्वेल्थ पास किया था और आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपको फालतू के किसी दूसरे कोर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। रीजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत बार बता रखा है कि अगर आप बात करोगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, जो कि 2020 में इंप्लीमेंट किया गया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2030 के बाद 2030 के बाद बाकी सारे कोर्सेज को बंद कर दिया जाएगा, स्क्रैप कर दिया जाएगा और सिर्फ कौन सा कोर्स को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को। तो प्लीज़ इस बात को समझो, और मैं ये अपने मन से बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये साफ साफ बात आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप फोर इंटीग्रेटेड बीएड जो है वही करो। आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप एनसीटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम अगर 2024 में देने जा रहे हो तो आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, इस साल कितनी कट ऑफ जा सकती है, ये हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट है इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता होगा कि आपको लैंग्वेज चूज करनी होती है, दो लैंग्वेज, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, ठीक है। इसके अलावा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जनरल टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वांट्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, जीके के क्वेश्चन होते हैं, जीएस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो जीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको डोमेन चूज करना होता है, ठीक है, और कितने डोमेन चूज करने होते हैं, तीन डोमेन, डोमेन वन, डोमेन टू और डोमेन थ्री चूज करना होता है। इतना सबको पता है। एक बार मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लूँ तो आप सबको पता होगा कि जो लैंग्वेज होता है उसके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लैंग्वेज टू के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, जीटी के 25 क्वेश्चन आते हैं और डोमेन के 25-25 क्वेश्चन आते हैं तीनों डोमेन में से। यानी कुल मिला के आप सबको पता है टोटल 160 क्वेश्चन आपके आते एग्जाम में। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर रिवॉर्ड किया जाता है और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी टोटल जो आपका एग्जाम होता है 640 मार्क्स का होता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि 640 में से हमें कितना स्कोर करना चाहिए। आप सबको पता है आपका जो एग्जाम है कब होने वाला है, 12 जून को शेड्यूल किया गया है, ठीक है, 12 जून का आपका एग्जाम होने वाला है। तो 12 जून का जो एग्जाम होने वाला है 2024 में, आपको उसमें कितना मिनिमम स्कोर करना चाहिए ताकि आपका इस साल एडमिशन हो जाए, लास्ट ईयर कितने में एडमिशन हुआ था, वो सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, आपको पता ही होगा लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम एडमिशन हो रहा था, 2023 में फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किए गए थे। उस टाइम अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, टोटल जो सीट्स थी वो 3950 थी। बट सच बता रहा हूँ, लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन ना के बराबर था, और क्योंकि एनसीटी का फॉर्म काफ़ी लेट निकला था, बच्चों का अवेयरनेस थी नहीं कि एनसीटी नाम का भी कोई फॉर्म निकलने वाला है, फॉर इंटीग्रेटेड बीएड का अलग से कोई फॉर्म निकलने वाला, नहीं पता था बच्चों को। ऑलरेडी बच्चों ने अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले लिया था, सेटल हो चुके थे, जिसकी वजह से इसकी जो लास्ट ईयर की बात करो ना, 2023 में कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम गई थी। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आप नहीं विश्वास करोगे, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, लास्ट ईयर 100 नंबर में, यानी जिन बच्चों का 640 में से 100 नंबर थे ना, उनका भी एडमिशन हो गया था लास्ट ईयर। जिन बच्चों का 640 में से 100 नंबर भी थे, इवन अगर मैं बात करूँ जो बच्चे एसटी कैटेगरी से एससी कैटेगरी के थे, उनके 80 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ था 640 में। यानी लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ज्यादा कम गई थी। तो इसलिए लास्ट ईयर के कट ऑफ को तो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देनी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर और इस ईयर में कंपटीशन में जमीन और आसमान का फर्क है। लास्ट ईयर कंपटीशन बहुत कम था, इस साल अगर बात करें टोटल आपके पास पता है टोटल जो सीट्स है वो 6100 सीट्स है। बहुत सारी कॉलेजेस ऐड हुए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐड हुई है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, बट कंपटीशन कई गुना बढ़ चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आपको ये 640 का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर आप ये सोचोगे 100-150 में मेरा एडमिशन हो जाएगा, बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होने वाला है 100-150 में, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। तो मेन अगर बात करें, अगर आप बीए बीएड करने ही सोच रहे हो तो आपके 600 में से कितना स्कोर होना चाहिए, अगर आप बीएससी बीएड करने जा रहे हो तो आपका कितना स्कोर सेफ रहेगा,
और अगर आप बीकॉम बीएड के बारे में सोच रहे हो तो आपका क्या सेफ स्कोर रहता है, रह सकता है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। देखो जैसे कि आपको पता है आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कितने मार्क्स का है, 640 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर आप बीए बीएड को टारगेट करो, ध्यान समझना, बीए बीएड को टारगेट करो तो कम से कम आपको जो टारगेट रखना है 440 के अराउंड का टारगेट रखना है, क्योंकि बीए बीएड में कंपटीशन सच बता रहा हूँ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको जो टारगेट रखना है 640 में से एटलीस्ट 440 का टारगेट रखना है। अगर मिनिमम की बात करूं, मिनिमम 400 से कम तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। मिनिमम कितना आपको लाना है, 400 तो लाना ही है। 400 से नीचे अगर आ रहे हैं बहुत कम चांस है, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको एडमिशन लेने में। तो 640 में से मिनिमम आपको जो टारगेट रखना है 400 का रखना है, और अगर आपका 440 के अराउंड आ जाते हैं या उससे ज्यादा आ जाते हैं फिर तो श्योर है आपका 100% एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम आपको 400 लाना है और 440 से अगर ज्यादा आ जाते हैं तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं, ठीक है। सेम अगर बीएससी बीएड की बात की, इसके अंदर भी कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट कंपैरेटिवली बीए से थोड़ा कम होता है। यहाँ पे मिनिमम आपका जो टारगेट होना चाहिए 380 का टारगेट होना चाहिए, और आपके 380 आ रहे हैं, 640 में से 380 आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि आप अभी जो पिक्चर है, जो खेल, जो भी कंपटीशन उसके अंदर अभी हो। बट अगर आपको श्योर चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाए तो कम से कम आपका जो टारगेट होना चाहिए 420 से ऊपर आपको स्कोर करना है 640 में से। 640 में से अगर 420 से अगर ज्यादा अगर आप अचीव कर ले रहे हो तो श्योर शॉट आपका एडमिशन हो जाएगा। वही अगर आप बात करेगा बीकॉम बीएड के बारे में, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपका मिनिमम जो टारगेट होना चाहिए वो 350 का होना चाहिए। 350 अगर आप लेके आ रहे हो तो आप कंपटीशन बने हुए हो, और अगर आपको श्योर शॉट आप चाहते हो कि हाँ आपका एडमिशन हो जाए तो उसकी बात करें तो आपको 400 लाना है। अगर आप बीकॉम बीएड को टारगेट करो और आपके 400 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपका श्योर शॉट एडमिशन हो जाएगा। यानी अगर आपको बीए बीएड में अगर आपको श्योर शॉट एडमिशन चाहिए तो कम से कम 440 से ऊपर लेके आना है। अगर आपको कंपटीशन बने रहना है तो कम से कम 400 तो होना ही चाहिए। या ओवरऑल अगर मैं कहूँ अगर आप 400 प्लस अगर आप ले आते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस आपका 2024 के सेशन में आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये तैयारी कैसे करना है, 400 नंबर, 400 से ज्यादा नंबर कैसे लाना है, तो उसके लिए आपको पता होगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पे आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें लैंग्वेज की, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा आप प्ले स्टोर पे जाके हमारे जो ऐप है ACUG उसे डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इन मॉक टेस्ट को अगर आप परचेज कर लोगे, और जो मॉक टेस्ट की जो प्राइसिंग है बहुत ही रीजनेबल रखी गई, बहुत ही कम रखी गई है, और आप इन मॉक टेस्ट को परचेज कर लोगे तो आपको मॉक टेस्ट तो मिलेंगे जो कि स्ट्रिक्टली एनसीईटी के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, प्लस आपको जो भी मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ प्लस बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं उन सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको, और साथ ही साथ मैं अलग से आपको जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है जो कि 20 नंबर का आता है वो आपका 100% आपका कवर हो जाएगा, 20 में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा टीचिंग एप्टीट्यूड में। कहने का मतलब क्या है, अगर आप जस्ट मॉक टेस्ट हमारा खरीद लेते हो तो उसके साथ आपको कई सारे एडिशनल बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको अपनी तैयारी को इंश्योर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हो, जो यूट्यूब पे हम क्लासेस प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट इसे अटेंड कर सकते हो, और आप हमारे मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस साल अगर आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड में एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपको कितने का टारगेट रखना चाहिए। मिनिमम आपको ध्यान रखना है 640 में 400 का टारगेट तो रखना ही रखना है, कि मुझे 400 से ज्यादा नंबर लेके आने ही आने हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।